बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक्सप्लोर पाकिस्तान में मुजम्मिल हयात आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज हम जिस हाउसिंग सोसाइटी का विज़िट करेंगे उसका नाम है स्काई गार्डन्स हाउसिंग सोसाइटी। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने 2014 में इस हाउसिंग सोसाइटी को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर सरकारी मुलाजमीन के लिए लॉन्च किया था। मैं सबसे पहले आपको इस हाउसिंग सोसाइटी की लोकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कैसे आप बारा को इस्लामाबाद से इस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ आ सकते हैं। व्यूअर्स, ये जो रोड देख रहे हैं ये आ रही है बारा को इस्लामाबाद से। इसी रोड को आप फॉलो करेंगे, आगे आप देख रहे हैं टोटल का पेट्रोल पंप भी है। ये जगह ये 17 मील है, तो जैसे ही आप पेट्रोल पंप क्रॉस करेंगे आपको रोड नजर आएगा वेलकम टू मरी एक्सप्रेस वे। तो जैसे ही आप इस रोड को क्रॉस करेंगे आगे राउंड अबाउट आएगा, आपने इस राउंड अबाउट से राइट टर्न कर जाना है मरी एक्सप्रेस वे की तरफ। इस साइड पे गाड़ी टर्न कर रही है, इस साइड पे आपने टर्न कर जाना है। तो ये आप देख रहे हैं बोर्ड भी लगे हुए हैं वेलकम टू मरी एक्सप्रेस वे। स्काई गार्डन्स हाउसिंग सोसाइटी का जो लिंक रोड है वो मरी एक्सप्रेस वे की तरफ से ही है। इससे पहले ही मैंने आपको एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र किया था ग्रीन एंड ग्रे वन बारा को इस्लामाबाद, जो कि अंगूरी रोड पर मौजूद है। उसका लिंक रोड भी मरी एक्सप्रेस वे की तरफ से जाता है। ये आप देख रहे हैं बोर्ड अंगूरी रोड का, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो वो लेबर बारा को इस्लामाबाद के नाम से मौजूद है। ये अंगूरी रोड, यहाँ से आप राइट टर्न कर जाएंगे और इस हाउसिंग सोसाइटी जो ग्रीन लेबर बारा को इस्लामाबाद के नाम से है विज़िट कर सकते हैं। लेकिन हम आगे चलते हैं, इसी तरह आप थोड़ा आगे आएंगे तो फुलग्रा के मकाम पर आपको एक टूल प्लाज़ा नज़र आएगा, फुलग्रा टूल प्लाज़ा। आपने इस टूल प्लाज़े को क्रॉस करना है। टूल प्लाज़ा क्रॉस करने से थोड़े डिस्टेंस पर ये हाउसिंग सोसाइटी मौजूद है। ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट की ड्राइव। अभी मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, एडिट भी कर रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। जैसे ही आप थोड़ा आगे आएंगे आपको राइट साइड पर एक कलर का बोर्ड नज़र आएगा स्काई गार्डन्स का। अगर आप देख सकें तो आपके बोर्ड नज़र आ रहा है स्काई गार्डन्स। अभी हम यहाँ से यू टर्न लेंगे और इस हाउसिंग सोसाइटी की तरफ मूव करेंगे। तो ये आ गया हमारा यू टर्न, यहाँ से हमने यू टर्न ले लिया। ये हमने यू टर्न लिया और अब हम पहुँच गए इसकी मेन एंट्रेंस पे। जो लिंक रोड है यहाँ से वेलकम टू स्काई गार्डन्स फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी। इसी तरह यहाँ पर चेक पोस्ट भी बनी हुई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक पोस्ट नंबर 1 फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की, ये मरी एक्सप्रेस वे। और इसके साथ ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी खूबसूरत सी एंट्रेंस। ये इसकी एंट्रेंस खूबसूरत सी स्काई गार्डन्स की और बैरियर टाउन की। चलिए आगे चलते हैं, ये मैं वीडियो थोड़ी तेज कर रहा हूँ। सिंगल रोड है इसलिए आपको दुश्वारी पेश नहीं आएगी। इसी रोड पर बैरियर टाउन भी मौजूद है। स्काई गार्डन हाउसिंग सोसाइटी बहुत ही पुरसकून पुरफाम वहाँ पर मौजूद है। यह आपको आइडिया भी हो चुका होगा। ये आप देख रहे हैं आसपास घने जंगलात, घने दरख्त और पहाड़। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी कम होगा। अगेन ये आप बोर्ड देख रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी का, ताकि जब आप विज़िट करने आएँ तो आप आसानी से इस जगह तक पहुंच सके। अच्छा खैर, ये सिंगल रोड, जब आप थोड़ा आगे आएंगे तो आपको एक बोर्ड नज़र आएगा। ये एक रोड है और बोर्ड लगा हुआ है बैरियर एनक्लेव 2 का। ये डायरेक्शन शो कर रहा है टुवर्ड्स राइट साइड।
लेकिन हम राइट साइड नहीं जाएंगे, हम मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। मैं बोर्ड थोड़ा करीब से भी आपको दिखा देता हूँ। ये बोर्ड नज़र आ रहा है आपको बैरियर एनक्लेव 2 का। तो हम मूव करते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। ये जो आप रोड देख रहे हैं ये उसी साइड से आ रही है एंट्रेंस, और इस साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ये मूव करेगी टूवर्ड स्काई गार्डन्स जो हाउसिंग सोसाइटी है उस तरफ। ये रोड आ रही है वहाँ से एंट्रेंस, और फिर आगे जा रही है जो डिफरेंट जो देहात हैं उनकी तरफ। तो चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ स्काई गार्डन्स। आप देख रहे हैं पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया इस हाउसिंग सोसाइटी तक पहुंचने के लिए। तो अभी बस ये पहुंच गए हम इसकी लोकेशन पे। ये इसकी लोकेशन है स्काई गार्डन्स इस्लामाबाद हाउसिंग सोसाइटी की। अभी चूंकि बारिश भी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर यहाँ से ऑनवर्ड दिखाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत कितनी आइडियल लोकेशन है पहाड़ों के दामन में ये हाउसिंग सोसाइटी। ये थोड़ा आपको यहाँ से क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। जॉइंट वेंचर है ये इस हाउसिंग सोसाइटी का, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी और कॉमनर्स का जॉइंट वेंचर है। 70% एरिया जो है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी के पास होगा और 30% एरिया जो है कॉमनर्स के पास होगा। वो इस एरिया को अपने पास रखेंगे और सेल करेंगे जनरल पब्लिक को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 भी मैं जल्द बनाऊँगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुज़म्मिल हयात को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।